तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और आप एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का अप्लाई करना चाहते हैं तो या ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे एटीएम कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा डायरेक्टली इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पे, आपको आ जाना है। उसके बाद पर्सनल बैंकिंग पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड है उसको फिल करना है, उसके बाद कैप्चा फिल करना है और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा कार्ड्स एंड लोन्स, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद डेबिट कार्ड इशूज, इस पर आपको क्लिक कर देना है न्यू कार्ड बनाने के लिए। ओके, उसके बाद आपको कस्टमर आईडी, उसके बाद अकाउंट आपको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद सिंपली सबमिट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पूरा यहाँ डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद आपका कार्ड का वेरिएंट चूज कर लेना है, कौन सा कार्ड आप लेना चाहते हैं। रुपए प्लैटिनम एनसीएमसी कार्ड जो है ये 300 रुपया है पर ईयर। ओके, उसके बाद दूसरा जो कार्ड है उसका प्राइस जो है पर ईयर आपका 950 रुपया लगने वाला है, तो आप उसको मत कीजिएगा, आप 300 रुपया का ही कीजिएगा, पर ईयर उतना ही कटेगा। सिंपली आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिल करना है और जो है सबमिट में क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी देके आपको वेरीफाई कर लेना है और आपका डेबिट कार्ड जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा और 5-6 दिन के अंदर जो है आपका एड्रेस पे आ जाएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है या कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज़।